हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले का एक साथ यूज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वीलुकअप और कॉलम्स फॉर्मूले का यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम्स फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। COLUMNS कॉलम्स लिखा हमने। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हमें क्या करना है, जो भी कॉलम्स हमें चाहिए, कॉलम नंबर, उनको हम यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है, और इसको बंद करेंगे और ये कुल मिलाकर के गिन करके हमें कॉलम बता देगा। छह कॉलम है। कैसे छह कॉलम है? 1 2 3 4 5 6, ये छह बता रहा है। अब आगे देखते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, फिर वही कॉलम्स का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ कॉलम्स का फॉर्मूला हमने लगा लिया है। अब आप देखिए किस प्रकार से हम इसको यूज कर पाएंगे। यहाँ पे ये पहला है A3, ठीक है, और यहाँ पे कोलन लगाइए और यहाँ पर A3 कर दीजिए, ठीक है, ये A3 हो गया। अब आप कॉलम्स के पहले हिस्से को फ्रीज कर दीजिए, यानी डॉलर लगा दीजिए। चार नंबर बटन जो होता है अल्फाबेटिक, वहाँ आपको डॉलर मिल जाएगा और जैसे इंटर करिएगा यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको हम इधर की तरफ यानी दाहिने की तरफ ड्रैग करते हुए चलेंगे। ये देखिए 3 4, आगे बढ़ाया 5, आगे बढ़ाया 6 7 8, जो भी होगा कॉलम नंबर ये देता जाएगा। तो ये फायदा है कॉलम्स के फॉर्मूले का। अब इसको वीलुकअप में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो समझते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो साइड का ये है, इसको ये हिस्सा, इसे कॉपी कर लेता हूं यहां पे। तो ये कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया हमने। अब अल्ट एच ओ आई दबाइए तो ये रिसाइज हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ये ऊपर के जो नाम है इनको कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। अब यहां पर इज इक्वल टू का निशान बनाइए, वीलुकअप लगाइए, लगा दिया हमने वीलुकअप लगा दिया। अब लुकअप वैल्यू हमें जाननी है, तो हम किसको लुकअप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी के नंबर को लुकअप करना चाहते हैं। अब हम कॉलम्स का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो कॉलम्स के पहले मतलब इन रो और कॉलम में कॉलम्स के हिस्से को आप फ्रीज कर दीजिए। देखिए मैंने कैसे फ्रीज किया है, कॉमा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से मैंने इसको फ्रिज किया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये, ठीक है। अब कॉमा दे करके वी लुकअप में टेबल एरे ये होता है, तो आप टेबल एरे पूरा सेलेक्ट कर जाइए और F4 दबा करके फिक्स कर दीजिए और कॉमा दे करके कॉलम्स का फॉर्मूला अब यूज कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और बड़े बड़े डेटा में से किसी भी चीज़ को एक्सट्रैक्ट आसानी से कर पाएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे कॉलम्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, हो गया। अब इसके पहले हिस्से को कर दीजिए फ्रिज डॉलर लगा करके, ठीक है, चार नंबर बटन पर आपको डॉलर मिल जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो डॉलर लग जाता है। कॉमा देंगे और एग्जैक्ट मैच फॉल्स होता है, उसके जगह जीरो भी लिखा जा सकता है, मैंने जीरो लिख दिया, एंटर प्रेस करता हूं। तो यहां देखिए मोहित का हिंदी में कितने मार्क्स हैं वो आ चुका है यहां पे। अब इसको मैं क्या करता हूं, दाहिने साइड ड्रैग करता हूं, तो ये देखिए सोनी सबके मार्क्स जो हैं आ गए हैं, आप देख सकते हैं, और इसी को मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूं, देखता हूं कि क्या होता है। तो देखिए लास्ट वाले कॉलम को छोड़ करके सारे नंबर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, आपको आई होप की समझ में आ रही होगी बात। और लास्ट वाले कॉलम में क्यों नहीं आए, इसके भी पीछे रीजन है, वो रीजन हम बाद में समझेंगे। लेकिन ये कितना शानदार फॉर्मूला है कि एक बार आप लगाइए, अब मैं इसको अगर हटा देता हूं एक बार फिर बताता हूं आपको। देखिए जैसे यहां आपको क्या करना है, इज इक्वल टू वीलुकअप टाइप कीजिए, ठीक है, वीलुकअप टाइप करने के बाद आप हिंदी को सेलेक्ट कर लीजिए, आपको हिंदी के मार्क्स चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आपको हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो यहां पे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलम वाले हिस्से को फ्रीज करना है, तो ये देखिए रो फ्रीज हो गया, अब कॉलम फ्रीज हो गया, कॉमा दिया हमने और यहां से पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाइए, F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, ठीक है, कॉलम्स का फॉर्मूला लगाइए, ओ सॉरी, यहां से इसको हटाते हैं, COLU कॉलम्स यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये कॉलम्स आ चुका है। अब इसको यहाँ पे ऐसे किया हमने और इन दोनों पार्ट्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसके पहले हिस्से को फिक्स कीजिए, देखिए बहुत आसान है ये, ठीक है, और फिक्स करने के बाद
बंद कीजिए इसे, कॉमा दीजिए और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो दे दीजिए, इंटर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 67 मार्क्स आ गए। अब इन सबके नंबर निकालने हैं तो यहाँ से आप इसको ड्रैग कर दीजिए, सबके मार्क्स आ गए। आप देख सकते हैं मोहित के 67 मार्क्स, रोहित के 32 मार्क्स, राहुल के 19 और रवि के 67। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि कॉलम्स के फॉर्मूले को हम कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, अब रोज का क्या चक्कर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रोज का फॉर्मूला हम कैसे लगा सकते हैं वो बताता हूँ कैसे यूज होता है। यहाँ पे देखिए मैं लगाता हूँ ये इज इक्वल टू आर ओ डब्ल्यू एस, आप देख सकते हैं इसको रोज फॉर्मूले को। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इन सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि रो यही है, 1 2 3 4 ये रो है। अब देखिए ये गिन करके अपने आप बता देगा कि ये कितने रोज हुए, तो 9 रोज हैं। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो हैं, बता रहा है बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब इज इक्वल टू रोज, मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप रोज की गिनती चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको रोज की गिनती मिल सकती है। इसको मैंने सेलेक्ट किया A3, यानी A3 से हमें गिनती प्रारंभ करनी है और कोलन लगा करके A3 लगा दिया। अब इसके पहले हिस्से को करना है फिक्स, ठीक है, A3 के पहले हिस्से को करना है, सॉरी दूसरे हिस्से को करना है फिक्स। तो हमें दूसरे हिस्से को A3 मैं यहाँ पे A3 करता हूँ, कोलन लगाता हूँ, A3 देता हूँ। अब इसके दूसरे हिस्से यानी कि ये रो वाला हिस्सा हो जाएगा फिक्स, तो ये कर दिया हमने फिक्स। अब इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ 1 आ रहा है। अब इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो क्या होगा, ये देखिए बहुत ही जादुई फॉर्मूला है ये। यहाँ देखिए गिनती जो काउंटिंग है वो काउंटिंग की पूरी सीरीज आ जा रही है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन हम वीलुकअप में कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक आसानी से पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।